कैसे याद तुम्हें? और आपको लग रहा होगा कि मैं अभी मतलब गाड़ी में से ब्लॉग क्यों कर रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ कि पूरा दिन मैं जा रही हूँ केरला, कल आफ्टरनून में मेरी फ्लाइट है और आज पूरा दिन मैं शॉपिंग कर रही थी, मेरे बहुत सारे काम थे और कल आफ्टरनून में मेरी फ्लाइट है, तो तभी मुझे शायद ही ब्लॉग स्टार्ट करने इतने जल्दी नहीं मिलेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले घर पे और घर पे जाके आपसे बात कर। तो मैं जस्ट अभी घर पे पहुंच चुकी हूँ और आप सभी को पता है कि आज भी मैं बाहर थी और ऐसा रोज होता रहता है और उसी के वजह से स्किन की मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती और सेम मतलब प्रॉब्लम कि उसी की वजह से मेरी स्किन डल और ड्राई रहने लगी थी। बट मैं CTM रूटीन रोज़ फॉलो करने लगी हूँ और उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अपने स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं इन जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स में। और इसके लिए मैं CTM रूटीन फॉलो करती हूँ। तो CTM मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लीनिंग के लिए फेस वॉश, टोनिंग के लिए फेस टोनर एंड मॉइस्चराइज मतलब आपके फेस को मॉइस्चराइज करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डेली स्किन केयर एसेंशियल बॉक्स बाय मॉम्सको। तो चलो ये बॉक्स में मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या मिलेगा। सो द फर्स्ट वन इज़ वाइटा रिच फेस वॉश। यूजुअली गाइज हम सबको पता है कि फेस वॉश के बाद हमारी स्किन में एक ड्राइनेस आ जाता है, बट ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें ऑलिव ऑयल क्लिनजर के साथ वाइटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड है जो मेरी स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग रखने के लिए मदद करता है। फेस वॉश के बाद आपको यूज़ करना है नेचुरल डेली फेस टोनर। तो ये फेस टोनर आपकी स्किन का जो pH लेवल है वो बैलेंस करता है और जो आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल रहता है वो रिमूव करने में हेल्प करता है और ये अल्कोहल फ्री है और इसमें 5 प्लांट AHS विथ हेजल है। सो ये स्किन के पोर्स को टाइट रखने में हेल्प करता है और सच्ची ये यूज़ करने पर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है। और एंड में आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र वाइटा रिच फेस क्रीम। तो आप सभी को पता है कि स्किन को मॉइस्चराइज रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मॉम्सको का फेस क्रीम मेरा सबसे फेवरेट है बिकॉज़ ये बहुत लाइट वेट है और मेरी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है और इसमें काकाडू प्लम है जो वाइटामिन सी का लार्जेस्ट सोर्स है। सो ये था मेरा डेली स्किन केयर रूटीन। द मॉम्सको के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल, सेफ, टॉक्सिन फ्री और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करना और एक्स्ट्रा 20% के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो NEETA20, क्योंकि डिस्काउंट किसे अच्छा नहीं लगता और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जैसे कि गाड़ी में मैंने आपको बोला कि मैं घर पे जाके आपसे बात करती हूँ, तो ये है कि कल मैं जा रही हूँ केरला और ये मेरा सडन प्लान बन चुका है। तो अभी मुझे पहले बैग पैक करना है, उसके बाद जल्दी सोना है क्योंकि कल मॉर्निंग में शायद ही मुझे मतलब ऐसा कि जल्दी मुझे पता है मुझे लेट होगा, तो मुझे अभी जल्दी सोना है। तो हाँ, मैं आपको कल मिलती हूँ। Gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better. और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, जस्ट वेट में पढ़ के बताऊँगी, कुमारकम वहाँ पे जा रही हूँ मैं। और जैसे कि आप लोगों ने पहले वाले क्लिप्स देखे होंगे तो
मैं कल मुंबई से मतलब कोच त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में हम लोग आए और फिर आज मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो कुमारकम वो प्लेस पे, तो हम लोग के साथ जो है उन्होंने बोला कि वो प्लेस बहुत अच्छा है, मतलब लाइक मैं वहाँ पे कहाँ पे जा रही हूँ, आप ऐसे बोलोगे मैं हाथ पे क्यों ऐसे पड़ी हुई, तो यहाँ पे सब मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मैं ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे आई थी तो सोचा नहीं था कि इतना व्लॉग करूँगी जो भी है, तो मतलब यहाँ पे अभी मैं जाने वाली हूँ स्टे कोकोनट लगोन, हाँ तो वो बहुत अच्छा प्लेस है और वहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जितना मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिला और मैंने सर्च भी किया था थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 4 hours लगते हैं। और 1 hour है तो हम लोग बीच में कहीं पे भी नहीं रुके, सिर्फ वॉशरूम रुके थे, और अभी हम लोग इसलिए जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अभी बट यहाँ पे ना बारिश हो गई थी, देखो जस्ट क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो बारिश भी कभी भी हो सकती है, और अभी अगर 6:30 तक पहुँचते हैं तो हम लोग वहाँ का सनसेट देख सकते हैं, तो वहाँ का व्यू कुछ अच्छा है, तो अगर अंधेरे में जाएंगे अगर अंधेरे में जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो देखते हैं कि अभी पॉसिबल होता है या नहीं होता, तो चलो तो ये है वो प्लेस, यहाँ से हम लोग बोट से जाएंगे और हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क की, मैंने इनको बोला कि आप इतना मतलब एकदम कॉर्नर पे, उन्होंने बोला कोई नहीं डोंट वरी, मैं होती तो भी मैं अच्छा चला, पर मुझे ना सबसे ज़्यादा डर तो पानी से लगता है, ये है मेरा एक। यहाँ पे अभी सच में 6:10 हो गए और वो दिख रहा है आपको बोट हाउस जैसा वहाँ पे, और हम लोग यहाँ से वो एक रिसोर्ट है वहाँ पे जाएंगे, तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, मज़ा आया मतलब 4 hours की थकान गई मुझे उधर से दिखी वो, मुझे छिपकली और चूहे से और बिल्लियों से और डॉग से अभी थोड़ी यूज्ड हो गई, बट मुझे इससे इतना डर लगता है अगर ये मेरे रूम में दिखी ना मैं सच में पूरा रात नहीं सोऊंगी, मुझे सच में बहुत डर लगता है। जैसे कोकोनट वाटर दिया और ये इसके अंदर ना जो कोकोनट रहता है ना वो इतना टेस्टी है, पर ये निकाल मैंने बोला कि वो निकाल के दे दो, उन्होंने बोला कि सॉरी हम लोग ऐसे नहीं देते, तो मैंने एक जुगाड़ किया, मैंने बोला ठीक है ये स्पून निकाल के कैल्शियम, वाओ इट्स यम्मी। ये रात का टाइम है और मतलब ये तो दिखा सकती हूँ पर बहुत ऑसम है, मैंने ऐसे ज्यादा रुक कभी नहीं दिखाया, बट ये बहुत सबसे बेस्ट, ये क्या होगा, ये ओपन है, ओपन ही है, सॉरी इट्स अ ओपन बाथरूम, वरना तो ठीक ही होता, वाओ ये लिविंग एरिया है और आजा जल्दी, और मेरा ऐसा ड्रीम है कि जो मेरा घर होगा ना उसमें मेरे जैसे सिर्फ, ओ वाह गाइस गुड मॉर्निंग,
तो जैसे मैंने बोला था कि कल रात को हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद मॉर्निंग में 6 o'clock हम लोग उठे और मेरे पहले जो रिसॉर्ट है तो उसका मैं व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा पूरा, और जैसे कि नीचे लिविंग एरिया और ऊपर बेडरूम था। और सानू की नज़र है ना इस पे, ये दिख रहा है क्या कैरी में, पर मैं उसको दूंगी जब हम लोग लास्ट में जाएंगे। तो जब रोड से आ रहे थे वो तभी से बोली थी मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो बर्ड स्ट्रीमिंग एंड नेचर वॉक के लिए। तो वो टाइमिंग कुछ 6 बजे का था, पर उन्होंने हमें बोला था कि मतलब आप 7 बजे आओ। तो अभी 7 तो नहीं, थोड़ा टाइम हो गया ऑलमोस्ट, बट अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे और आगे क्या होता है मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of, give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, or gorgeous. We'll do you good, so take a chance, take a chance. It's magical when you are close, so get closer, babe. Won't do you good, cause I am golden, I'm golden. You're not really looking for a friend, so you're the type for me. Never thought that loving would be easy, but it's all for free. Won't cost the pain. अभी मैं हूँ बटरफ्लाई गार्डन में, और जैसे कि मैंने अभी जस्ट ज़्यादा बोला नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई है और मैंने बहुत सारे बर्ड्स भी देखे, बट वो दूर से देखे तो मतलब जूम करके इतना मुझे ठीक से नहीं दिख रहा था। हाँ, किंगफिशर वो देखा और वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बहुत सारे ये मैं बटरफ्लाई गार्डन में हूँ तो यहाँ पे जब मैं वॉक भी कर रही हूँ ना तो मेरे पैर के नीचे भी है। अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे अदर लोकेशन पे। तो बैग पैक है ऑलरेडी और हमारी बोट जो है वो हमें लेने भी आई है, मैं आपको दिखाऊंगी वो बाद में। तो अभी ब्रेकफास्ट करके जस्ट निकलना है। स्पाइस विलेज में हम लोग रुके हैं। अगर आप सर्च करोगे तो ये बहुत अच्छा प्लेस है, लाइक बहुत, जब हम लोग एंटर भी करते हैं ना तो वहाँ से एकदम स्मेल आता है वो सब स्पाइसेस का। और बाकी सब मैं जस्ट फ्रेश होके फिर बाहर, बहुत अच्छा है। और आज मैं टाइम पे आई हुई तो 2 घंटा है, तो मैं आपको जितना हो सके मैं दिखाऊंगी। तो चलो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे स्पाइसेस है ऑल टाइप ऑफ, तो हम लोग जस्ट यहाँ पे एक विजिट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे रूम में एसी नहीं है, बट फिर भी रूम बहुत अच्छा है। और बोलते हैं ना कि एकदम ठंडा और बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे ऐसे मतलब ये जो रूम्स है, तो ये जो रूफ है ना उस पर जो मतलब एलिफेंट ग्रास इसको बोलते हैं। और मैंने जैसे बोला कि रूम में एसी नहीं है क्योंकि
इसी के वजह से रूम वार्म रहता है और मतलब बारिश के टाइम में भी नहीं, बारिश के टाइम में वार्म रहता है और ऐसे टाइम में एकदम एसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट रूम में जब हम लोगों ने एंटर किया ना तो ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे है। तो I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. मुझे खुद पता है कि ये सोप है, हम लोग जो स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाते थे तो सोप मिलती थी बाहर, पता है मुझे मिलती थी। अरे वो बैठे ना, वो आज ये लेके इमली और ऐसे सोप, शायद इसके स्कूल के बाहर नहीं बैठे थे, मेरे स्कूल के बाहर बैठे थे। हम लोग च्युइंगम खाते हैं ना, ऐसा सेम वैसा स्मेल है ना पेपर में, मैंने इसका स्मेल पहले मतलब मैंने देखा ही नहीं था ये। Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. मिडल फिंगर यहाँ पे ऐसे होल्ड करना है, देन ये दो फिंगर से ये जो मतलब वुडन है छोटा प्लाई, तो उसको यहाँ पे रखना है। तो आप एक बार करके दिखाना, यू डू इट। कैसे सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स दिखाए और मुझे फ़ोन भी आया था, निशि, रोहित, मेरी सिस्टर, उन लोगों को भी मज़ा आ रहा था, वो भी फ़ोन पे देख रहे थे, तो मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस था, तो अच्छा लगा। तो अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ और अभी जस्ट मैंने कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, और ये व्लॉग जैसे कि मैंने कल मॉर्निंग में जब स्टार्ट किया था, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, तो अभी मैं दूसरे जगह हूँ और कल मैं किसी और जगह भी थी। कल मैं कुमारकम में थी और आज मैं टेकड़ी विलेज में हूँ। तो यहाँ पे कल अलग दिन, आज अलग दिन, तो आई नो ये बहुत मैसी ब्लॉग है, आई नो आपको समझ में आया भी होगा, बट मुझे सिर्फ ये ब्लॉग में आपको ये दिखाना था कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस जो आप कवर कर सकते हो, लाइक नेचर, ये जो आपको पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो और मतलब आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, लाइक यहाँ पे नेचर इसके वजह से। तो ये वाला व्लॉग हम लोग यही एंड करते हैं, आई नो इसमें मेरी बहुत सारी गलतियाँ होंगी बट आप मुझे संभालोगे, मुझे पता है। तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बहुत सारे कमेंट करो और मुझे बहुत सारा प्यार करो। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, लव यू।